और चलिए अब कुछ खबरें रफ्तार से देखते हैं। खबर एक नजर में, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा आज बीजेपी में शामिल होंगे और दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कृष्णा को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। कृष्णा 15 मार्च को ही बीजेपी में शामिल होने वाले थे, लेकिन उनकी बहन के निधन की वजह से इसे टाल दिया गया। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस वक्त हुई जब नीरज सिंह अपने घर जा रहे थे और स्टील गेट इलाके के पास स्पीड ब्रेकर होने की वजह से जैसे ही गाड़ी की रफ्तार कम हुई, घात लगाए हमलावरों ने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी और वारदात के बाद पूरे धनबाद में तनाव को देखते हुए पुलिस की जबरदस्त तैनाती कर दी गई। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी हो सकता है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक 1 जुलाई से आधार नंबर के बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकेगा। साथ ही 1 जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार नंबर बताना जरूरी होगा। केंद्र सरकार कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए तक करने की तैयारी में है और लोकसभा में पेश वित्त संशोधन विधेयक में इसका प्रस्ताव रखा गया। काले धन पर रोक के लिए बनी SIT की सिफारिश पर इस बार के बजट में 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक का ऐलान किया गया था।